के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। दूसरा कलमा जो खुदावंद के मुंह से निकला है वो है नजात का कलमा, जो हमारे नजात का कलमा है वो है लुका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज भी तू मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। ये जब यीशु मसीह कलवरी पर अपनी जान देने को था तो उसके साथ दो डाकू भी उसके साथ लटकाए गए थे, तो उस वक्त यीशु मसीह ने उनको उनमें से एक को कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। क्योंकि जहां पर हम देखेंगे यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह ने जो भी कहा वो सच है, सच कहा। ये सच का जो लफ्ज है वो कलामे मुकद्दस में मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा बार शेयर हुआ लिखा गया है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। तो जे यीशु मसीह ने जो भी कहा वो सच कहा, और यहां पर लिखा गया है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, फरदौस में होगा। यीशु मसीह ने जो भी काम किया वो ऐसा नहीं है कि उसने कहा कोड़ों के लिए दुआ की या कोड़ों को शिफा देने के लिए कहा कि तू आज आ जा, कल फिर आ, 7 दिन तक आता रहे तो मैं तुझे क्या करूंगा, शिफा दे दूंगा। यीशु मसीह ने जो भी कहा सच कहा और जो कहा उसी ने किया। अगर कोड़ी को शिफा दी तो उसने कहा जा तेरे मां ने तुझे अच्छा किया। अगर किसी बीमार को शिफा दिए तो उसी ने उसको कहा कि तू आज उठ और अपनी चार भाई उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह जो भी कहता है वो उसी टाइम हो जाता है। चाहे आज आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है, चाहे कोई भी बीमारी है, अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह के से आपका तल्लुक है, रिश्ता है, तो लाजम है कि आपको महीने महीने की जरूरत नहीं है, हफ्तों की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ईमान के साथ एक बार खुदा से कह देंगे कि खुदा मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, तो खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। चार दिन का मुर्दा जो था उसका ईमान नहीं था, लेकिन मरियम का क्या था, ईमान था। उसने मरियम ने कहा, मरियम ने जब कहा तो मरियम के साथ जब यीशु मसीह गया तो उसी टाइम क्या हुआ, वो चार दिन का मुर्दा मरियम के ईमान के वसीला से ही जी उठा। हमारे ईमान के वसीला से लोगों को चंगाई मिलती है, लोगों को चंगाई मिलती है। हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, जब निजात का कलमा है, यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसने क्या किया, आते ही निजात को जारी कर दिया। क्योंकि हम जिंदगी से जुदा हो चुके थे, हम जिंदगी से नावाकफ हो चुके थे, तो क्या होगा, यीशु मसीह ने आके हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दिया। और हम जो थे यीशु मसीह सलीब पर जब जान दे रहे थे तो उस वक्त भी क्या किया उसने, उस डाकू को निजात दी। उस डाकू को उस वक्त भी यीशु मसीह जब अपनी जान सलीब पर दे रहा था उस वक्त भी क्या किया यीशु ने, निजात दी। जब यीशु मसीह पाताल में चला गया तो उस वक्त भी क्या किया यीशु मसीह ने, उन रोहों को बरी किया जो नूह के वक्त में कैद में चली गई थी, पाताल में चली गई थी, वहां पर भी यीशु मसीह क्या कर रहा है, निजात बख्श रहा है। तो हमको ये निजात मिलेगी कैसे, हमको कैसे निजात मिलेगी, हम गुनाहगार थे, हम गुनाहगार थे, वो भी क्या कर रहा है, जो निजात पा रहा है यीशु मसीह के साथ कलवरी पर, जो निजात पा रहा है वो भी क्या था, गुनाहगार था। उसने अपने मुंह से क्या किया कि हम तो क्या है, गुनाहगार है, हम तो अपनी गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कौन सा गुनाह किया है जो ये सजा पा रहा है। लेकिन हम अपने गुनाहों का इकरार ही नहीं करते। दाऊद ने गुनाह किया तो उसने अपने गुनाह की माफी मांगी, उसको क्या किया, माफ हुआ। इसके लिए हम देखते हैं कि हमें कैसे माफी मांगनी है, जबूर उसका 51 उसकी 2 आयत, तो मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। अगर हम कहें आज कि खुदावन तू मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर,
तो यीशु मसीह आज भी अगर हम अपनी बलियों का इकरार कर लेते हैं तो आज ही वो कहेगा कि ऐ मेरे बेटो तो आज मेरे साथ क्या होगे, फरदौस में होगे, आज ही तुम्हारे लिए फरदौस के दरवाजे खुल गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने ये साफ कहा है, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमेशा की जिंदगी कहां पर है? यीशु मसीह के साथ है। अगर हम कहें कि हम हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं और यीशु मसीह के हुक्मों को भी ना माने तो ये उनके नहीं है। हालेलुया। अगर हमको यीशु मसीह के साथ जाना है तो हमें इस तरह से दुआ करनी चाहिए। कैसे दुआ करनी चाहिए? लुका उसकी 18 बाब और उसकी 13 है। ये भी एक मसूल लेने वाला है, एक रास्तबाज है, फरीसी है और दूसरा मसूल लेने वाला है। फरीसी ने जब दुआ की तो हैकल में जब वो दुआ कर रहा था तो वह कह रहा था मैं तो बख्शा ही जाऊंगा। कैसे बख्शा जाऊंगा? मैं तो रोजे रखता हूँ, मैं तो दर यकी देता हूँ, मैं तो गरीबों को खाना खिलाता हूँ। वो अपने जी में ये बातें कहता है, लेकिन जो मसूल लेने वाला है वो क्या कहता है? 13 आयत में पढ़ेंगे हम। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, अरे खुदा मुझ पर नाराज पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की जिस पर रास्तबाज चेहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन मसूल लेने वाले ने कैसे दुआ की? उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बख्शा ही जाऊंगा। उसको मालूम था कि मैं गुनहगार हूँ। ऐसे ही उसको भी, जो डाकू सलीब पर लटकाया जा रहा था उसको भी मालूम था कि हम गुनहगार हैं। इस मसूल लेने वालों को भी मालूम है कि मैं गुनहगार हूँ। उसने उस आसमान की तरफ, उस खुदावन की तरफ अपनी आंख भी नहीं उठाई। उसको खुदावन यीशु मसीह को, खुदावन को उसका ये डर अच्छा लगा कि ये गुनहगार है, इसने इतना भी नहीं चाहा कि खुदावन क्या है पाक। लेकिन आज हम जो है, हम कहते हैं खुदावन का रिश्ता हमारे साथ है, हम खुदावन के साथ डायरेक्टली बात करते हैं कलाम के वसीला से। और ये हवा निकल, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़ा होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठा ले। उसने अपनी छाती पीट पीट कर, आज हमारे अंदर ये जरूर आ जाता है। आज हम एक हफ्ता चर्च में चले जाते हैं, एक दो हफ्ते हम मीटिंगें अटेंड करते हैं तो हम कहते हैं हम क्या हो गए हैं, निजात पा चुके हैं। लेकिन वहां पर क्या लिखा गया कि जो कोई ऐसे अपने बोझ के साथ दुआ करता है कि ऐ खुदावन मैं गुनहगार था, मेरे गुनहगार के लिए तूने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा जिसके खून बहाने से हम क्या करें, निजात पाए, तो वो क्या करेगा, वो निजात पाएगा। जो ये बात समझ जाएगा कि मैं गुनहगार था और यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से हमने क्या है पाई है, निजात पाई है, तो फिर ही हमको क्या मिलेगी, निजात मिलेगी। अगर आपको निजात पानी है तो यीशु मसीह के शरीर से खून बहता है उसकी तरफ देखें और उस खून को अपनी जिंदगी में लागू करें, मांग लें और आपको आपकी बीमारियों से, आपने जो पाप किए हैं, आपने जो गलतियां की हैं उनसे आप सबको निजात मिलेगी। हालेलुया।